Hello dear viewers, this is day 23 of our English speaking course, and today we will be learning about correlative sentences. जैसे no sooner हमेशा इसके साथ than use होता है, scarcely के साथ when use होता है, hardly when, ठीक है, no sooner के साथ than, hardly के साथ when, not only but also, either or, neither no, ये हम लोग पहले से जानते हैं. आइदर के साथ और नेदर के साथ नो, ये कुछ हम नए नए सेंटेंसेस है, ये आप जानिए और इसका जो उपयोग होगा वो मैं अभी बताऊंगा आपको. स्कार्सली के साथ व्हेन, रेदर के साथ देन, नो लेस देन. जैसे नो सुनर डिड ही गेट अप टू डिलीवर हिज स्पीच देन द हॉल बिगन टू रिसाउंड विद चीयर्स. ज्यों ही वह अपना भाषण देने के लिए उठा, हॉल तालियों से गूंजने लगा. स्कार्सली के साथ व्हेन का यूज होता है, जैसे वी हैड स्कार्सली रीच द स्कूल व्हेन द बेल रैंग. हार्डली के साथ भी व्हेन यूज होता है, ही हैड हार्डली लेफ्ट हिज हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. सो दिस इज अ बेसिक यू कैन यूज एंड लर्न. Get the roof repaired before it should leak. No less के साथ than का यूज होता है. No less a person than the chief minister of the state hosted the national flag. प्रदेश के मुख्यमंत्री से कम महत्वपूर्ण व्यक्ति ने राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया. He is so ill that he can't rise from his bed. Either के साथ or यूज होता है. तुम या तुम्हारा भाई दोषी है. Either you or your brother is guilty. He is too weak to walk. नेदर के साथ नोर का यूज होता है, जैसे न समीर और ना ही उसका भाई इस पार्क में खेलता है. नेदर समीर नोर हिज ब्रदर प्लेस इन दिस पार्क. सो यू कैन लर्न द यूजेज ऑफ कोरिलेटिव वर्ड्स. और यहाँ पर हम लोग टेम्पोरल सब जो वर्ड्स होते हैं उसको हम लोग जानेंगे. You will receive his letter in 3 days. You will receive his letter within 3 days. We left for Mumbai on 20th February. So the basic is you can learn after pausing this video. So basic is that हम लोग जान गए कि no sooner के साथ हमेशा than का यूज होता है. और जब महीने का नाम आता है तो in का यूज है, जैसे in February, in March. और जो दिन होते हैं उसमें on का I will come on Tuesday. और कभी समय अगर बताते हैं तो 8 का यूज होता है. The class started at 6:30 p.m. और 6:30 a.m. मॉर्निंग और इवनिंग में के पूर्व हम लोग जैसे I will come in the evening, I will come in the morning. The class started in the morning. Noon और night में 8 का प्रयोग होता है. और जहां कार्य आरंभ होने का निश्चित दिन या समय दिया होता है वहां सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे सिंस 1974. ओके. और जहां समय की केवल अवधि दी गई है वहां फॉर यूज करते हैं, फॉर 2 days, फॉर 2 months, फॉर 3 years, एंड दिस इज ऑल फॉर द डे.